अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल बहुत ही ज़्यादा कमाल का है एंड सीरियसली वो आज भी इंडिया से रिलेट करता है। बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्ट माई चैनल लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने प्रॉपर सॉरी की है। रीज़न ये है कि एक सिटीजन जिसने वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा लिया उसे स्टैंडिंग ओवेशन दी गई पार्लियामेंट में, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सॉरी की गई। साथ ही साथ अगर भारत और कैनेडा के कन्फ्लिक्ट की बात करें, इस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर तो इस इशू को लेकर भी कैनेडा पर डाला जा रहा है। क्या कैनेडा को इस पर भी सॉरी करनी पड़ेगी कि बगैर प्रूफ जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं? पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के अदारे इसमें क्या रोल रखते हैं, जानेंगे इसमें पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर बुलंद बख्त। जबरदस्त, बहुत यूनिक नाम है। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ लाहौर में। हाँ जी। कौन से इंजीनियर है? टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, एज अ आरएफ इंजीनियरिंग जॉब करता हूँ। ठीक हो गया, आपके फील्ड के हवाले से भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज चल रही है, कनाडा और भारत का डिप्लोमेटिक कंफ्लिक्ट चल रहा है, बड़े बड़े कंट्रीज जो है वो इस टाइम स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई कनाडा को लेके कोई भारत को लेके, क्या कहना चाहेंगे? और अभी श्रीलंका ने के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि भाई जो कनाडा ने एलिगेशन लगाए हैं वो बेबुनियाद है, उनका कोई सर नहीं कोई पाउंड नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ज्यादा वैसे इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ना तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की। ठीक है। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो मोदी सरकार है, चूंकि ये शरपसंद लोग हैं और ये इस तरह के काम इंडिया में भी करते रहते हैं, मुस्लिम्स के अपोजिट भी हैं ये लोग। आपने ये खबर कहाँ से? आपने बोला ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता है ये कहाँ से पता? ये मैंने सोशल मीडिया से बेसिकली देखा था, फेसबुक पे मैंने जो है ना वो वीडियो देखी थी। ठीक है। आपको लगता है कि आज जो दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है वो इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी? और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व है तो सबूत क्यों नहीं दे देते कनाडा वाले या दूसरे कोई भी जो कंट्री है? बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ा बड़ा नाम है मतलब यूरोप में एजेंसीज का, क्यों नहीं सबूत दे देते ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? बस वो सबूत इन लोगों के पास होते ही नहीं है। ये जो है ना एजेंसीज ये काम करवाती हैं, सबूत होते ही कोई नहीं है। ठीक है। वो जो है ना सबूत छोड़ते नहीं एजेंसियां, आपको पता ही है कैसे काम करवाती हैं। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अदारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्यों बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सी हैं वो इंडिया के साथ इस टाइम खड़ी हैं? अगर हम बात करें यूके की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें जापान की, ये सब जो हैं वो इंडिया के फेवर में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है, तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी देख, कोई भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है, उनको फायदा देती है, बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ को बात ही नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तासुर ये दिया जाता है, कहा यह जाता है कि भाई भारत जो है इंडिया है जो इर्द गिर्द छोटे कंट्रीज हैं उन्हें दबा के रखा हुआ है, प्रेशर में रखा हुआ है, लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें वो किस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट देता है इंडिया के हक में देता है? अगर दबा के रखा होता तो ऐसी स्टेटमेंट ना देता। बांग्लादेश की बात करें, वो कभी G20 में उनके प्राइम मिनिस्टर नजर आती हैं, कभी मतलब यह प्रोजेक्ट उनके साथ करती है। आपको लगता है कि हमें भी इस तरीके से साथ मिलकर काम करना चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए, ये बिजनेस टर्म्स होती हैं और ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ दुश्मन है इंडिया के ये नहीं होना चाहिए, हमें अमन का प्यार का पैगाम देना चाहिए। ये बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपने जो स्टार्ट में बात कर दी कि भाई जो उनके प्राइम मिनिस्टर है यार वो शर्मसार तो है नहीं, ये सोच हम अगर लेट्स सपोज बदलना चाहें विद प्रूफ, ये नहीं कि बिला वजह ही वो हो और हम कहें नहीं है सोच बदल लो, लेट्स सपोज वो ना हो फिर हमें ये सोच बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए, हमें भाईचारा चाइल्डहुड का पैगाम देना चाहिए उनको। मैं खुद जो है ना आनियर हूँ और मैं चाइल्डहुड का पैगाम देना चाहता हूँ, हमें उनसे मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, ब्रदरहुड का पैगाम, बिजनेस टर्म होना चाहिए, ब्रदरहुड का पैगाम देना चाहिए, बिजनेस टर्म्स हो। आप देखें दुनिया, सारी दुनिया तरक्की कर चुकी है, जो लोग आपस में बिजनेस करते हैं, अब सऊदी को देख लो उनके साथ इंडिया का बिजनेस है, वो लोग नहीं देख रहे कि वो हिंदू है मुस्लिम है, इसी तरह इसराइल को कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ नहीं करते, बहरहाल वो मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, बिजनेस टर्म्स होने चाहिए। इंडिया की देख लें, यूएई इंडिया की देख लें, बिल्कुल ओमान की देख लें, आपको पता है अंडर वाटर जोन सा वो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट और ये चीजें, हमारे साथ बॉर्डर लगता है ये अभी 16 किलोमीटर के फासले पे भारत होगा, लेकिन यहाँ पे भारत का नाम लेते हुए या बात करते हुए ऐसा लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं? अगर हमारी भारत से बन जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है कमाल स्टेबल हो जानी है, जबरदस्त। हमारे जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ लोग नहीं बनने देते उनके साथ हमारी, कुछ लोग नहीं, बाइंड ना करिएगा, लेकिन जो कुछ लोगों आप जैसे लोगों की भी जो
सोच है ना जो हमने आपने शुरू में स्टेटमेंट दे दी। देखें अगर प्रूफ हो ना तो मैं भी यहाँ पे मुझे कहते हुए भी कोई कबाहत ना हो, कोई शर्म ना हो कि भाई हाँ इंडिया इन्वॉल्व है। अगर प्रूफ हो, अगर प्रूफ ना हो, हम ऐसे ही बस सोशल मीडिया से देख के, फेसबुक से देख के, इवन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी तक कोई प्रूफ नहीं दिया तो हम कैसे कह सकते हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने प्रूफ नहीं दिया, बट उसने ये अपनी स्टेटमेंट तो दी है कि उसमें जो है इंडियन इन्वॉल्व है। हाँ स्टेटमेंट, प्रूफ तो हमें क्या बात एजेंसी। ऐसे मैं आप लेट्स सपोज को इंडिया वाले हर रोज ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर में जो उनके जवानों की जाने जाती हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हम मान लें। नहीं असल में पता क्या, ये एजेंसियां इन्वॉल्व होती है ना तो ये एजेंसियां काम ही ऐसे करती हैं, आपको पता पता नहीं चलता। पाकिस्तान में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे काम है कि जो बस हो जाते हैं और पता नहीं होता कि क्यों हो रहे हैं। आज इंडिया ने जो अपनी पोजीशन बना ली है इंटरनेशनल लेवल पे कि बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्या वजह, कैसे बना ली, कैसे अपना यहाँ तक अपना मुकाम बना लिया? और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल मंडी है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग बिजनेस करते हैं इंडिया में आके, और इंडिया पैसा बहुत बड़ा इन्वेस्ट करता है, और वो इस वजह से जितने भी कनाडा हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, या जितने भी ये जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्रीज हैं, जितने भी हैं सिर्फ बिजनेस टर्म्स पे इनके साथ खड़े हुए हैं, और दुश्मनियां उनकी भी होनी है, लेकिन फिर भी बिजनेस होना चाहिए, हमें भी चाहिए कि उनके साथ बिजनेस करें, ब्रदरहुड का पैगाम देना चाहिए उनसे, और ये सब होना चाहिए, लाजमी है। हम मुझे ये बताएं पाकिस्तान कैसे अपने रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? आपने पाकिस्तान में करप्शन को, करप्शन जो पाकिस्तान का सबसे हॉट टॉपिक है वो खत्म होना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में ऐसे खत्म हो सकता है कि आप जो है ना जितने भी लोगों के घरों से बोरियां पैसों की निकल रही हैं, आप यकीन करें अगर ऑनलाइन कर दें सारा सिस्टम, आप ऑनलाइन कर दें, आप जो है ना जितने भी लोग डिजिटलाइज कर दें, सबको कह दें कि जितने भी लोग है ना वो जब शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग ना उनको उनको कहें कि अपना अकाउंट दे और वहीं से जो है ना वो होगी डिडक्शन, कार्ड सिस्टम होना चाहिए, जिनकी भी बोरियां सारी अकाउंट में आ जाएंगी। और ये मुल्क में हुआ भी था, ऐसा एक मुल्क में हुआ था, मुल्क में नहीं बड़े मुल्क में, जिस मुल्क की अभी हम कंट्री की बात कर रहे हैं भारत की, वहां पे भी ये सिस्टम बड़ी तेजी से चल रहा है, डिजिटलाइज होना चाहिए, ये बहुत लाजमी है। हमारी बोरियां सिंध से निकल रही है, अल्लाह माफ करे, कहां बलोचिस्तान से निकलती है। देखें इधर लोग भूख से मार रहे हैं, चाहे सिंध हो, बलोचिस्तान हो या पंजाब हो, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे यही पाकिस्तान में बड़ी तादाद में जो डॉलर्स हैं वो लोगों के घरों से, लोगों के वॉशरूम से निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान में चंद लोग, मैं कहता हूँ 15-20% ऐसे हैं, इतना उनके पास पैसा कि पाकिस्तानी कर्जा उतर सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने छुपाया हुआ अपने वॉशरूम में, वो टैक्स नहीं देते, वो सही प्रॉपर टैक्स देना शुरू कर दें तो गरीब खत्म हो जाए, और प्रॉपर एक अदल का निजाम हो जाए जो उमर के दौर में था, ठीक, वो कहते थे कि तब दजाल के किनारे पे कुत्ता भी मर गया तो उसका भी मैं कसूरवार हूं। तो आज इधर कुत्ता क्या, इधर तो इंसान मर जाते हैं, यहाँ इंसान मर जाते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है भाई। इसका एक ही हल है कि जो है ना करप्शन को खत्म करना चाहिए, जो हमारे ऊपर बैठे हुए सियासतदान, इन लोगों को पाक होना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये बात की कि भाई करप्शन का जो जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए, हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। एग्जांपल्स हम देते हैं कभी हजरत उमर की, कभी किसी, हमारे आइडियल वही है, ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? हर वो चीज जो इस्लाम में मना है वो यहाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, वो कहते हैं सूद यहाँ पे हो रहा है, सूद का निजाम चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे है, करप्शन यहाँ पे चल रही है, रिश्वत बेईमानी यहाँ पे चल रही है, बिल्कुल ऐसा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे मैंने सुना था पहले, पता नहीं अलामा इकबाल, पता नहीं किन्होंने कहा था, वो बाहर गए थे, दुनिया घूमे थे, उन्होंने कहा था बदकिस्मती से मैंने वहां पे मुस्लिम नहीं देखे बट इस्लाम देखा है, ठीक है, और बदकिस्मती हमारी है कि पाकिस्तान में मुस्लिम है बट इस्लाम नहीं है, इस्लाम ठेकेदार हम बने हैं पूरी दुनिया में, कि भाई मजहब के ठेकेदार हैं, और मजहब के ठेकेदार है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, और जिस पे ये बना है, जो हमारा मोटिव था वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा, जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, वो विजडम हम लोग मान ही नहीं रहे, ठीक है। क्या ऐसा किया जाए आज के दौर में, यूथ ऐसा क्या करे? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये भाई की सोच, लेट्स सपोज अगर ये एक भाई है एजुकेटेड है लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनकी सोच बदली जाए, ऐसे ही मैं अगर थोड़े थोड़े करके कुछ लोगों की सोच, कैसे सोच बदले लोगों की कि भाई रिलेशन बेहतर हो, नफरतें माइंड से निकलें, कि वो काफर हैं, वो हिंदू हैं, ये चीजें दूर हो के हम एक इंसानियत के तौर पे काम करें और अपने कंट्री पाकिस्तान के लिए ये फायदेमंद हो। बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये अब जो है ना सबसे जो बेसिक नहीं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनमें तो यही होता है कि लोगों को सिखाना चाहिए कि अल्लाह क्या कहता है, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस होनी चाहिए, मीडिया जो जितने भी चैनल्स हैं ये लोग ड्रामों में पाकिस्तानी कल्चर क्या दिखा रहे हैं कि मर्द को थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। ड्रामों में इस्लाम का पैगाम देना चाहिए, हमारे नबियों की जो तालीम है वो देनी चाहिए, ताकि लोग भूल चुके हैं कि अल्लाह है, ठीक हो गया, लोग कब्र भूल चुके हैं, जब तक इनको कब्रें याद नहीं आएंगी तब तक जो है ना कुछ नहीं होना। आपको बड़ी तादाद से दूसरे कंट्री इंडिया से लोग देख रहे हैं, क्या उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, चाहे मोहब्बत का चाहे नफरत का, जो आपके दिल में बात है वो आप करिए।
मैं मोहब्बत का पैगाम देना चाहूंगा, इंडियन ब्रदर्स भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद, क्योंकि बेसिकली वो इंसान है। हिंदू या दीन होना एक अलग टॉपिक है, अल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, शायद उसने सिर्फ बस इंसान बनाया है। आदम हवा के सब हम औलाद हैं, वो भी हम भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सिख हो। आपने पाकिस्तान में खड़े होकर, लाहौर में खड़े होकर ये नारा लगा दिया इंडिया भी जिंदाबाद पाकिस्तान। हाँ जी, मैं जिंदा दिलाने शहर में खड़ा हूँ और मेरा जिंदा। आप पे फतवा लग जाए, आप पे आके कह देंगे भाई ये देखो ये तो इसने तो इंडिया, नहीं अल्लाह माफ करे, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कर दी कि जिसमें मैंने ये कह दिया। हाँ, मैंने मोहब्बत की बात की, वो भी इंसान है और वो लोग भी। आज हम यहाँ पे खड़े होकर मोहब्बत की बात करेंगे, यहाँ पे खड़े होकर अगर नारा उनके हक में लगाएंगे, कल को वहाँ से भी वीडियो आ जाएगी। और यही होना चाहिए, मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि वो भी वीडियो बनाए और ऐसी बनाए कि वो भी अपने दिल्ली में खड़े हों, कहीं खड़े हों, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद गए, ठीक है, ताकि वो खुश हों। हम इंसान हैं, पैगाम दे दें, ये पैगाम दे दें कि भाई मैं यहाँ खड़े होकर ये नारा लगा रहा हूँ, आप मैं चाहता हूँ कि वीडियो वहाँ से भी आए। हाँ जी बिल्कुल, मैं जिंदा दिलाने शहर लाहौर में खड़ा हूँ और मैं बेसिकली यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं मुल्तान का हूँ, लेकिन यहाँ पे जिंदा दिल लोग रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, और इंडिया भी जिंदाबाद। और ये भी कहना कि वहाँ से भी आना, वहाँ से भी आना चाहिए। काइंडली भाइयों, आपने भी दिल्ली से, अमृतसर से पैगाम देना है और मैं देखूंगा आपकी वीडियो, और ये आना चाहिए और मुझे बड़ा मजा आना है, यकीन करिए। देख जबरदस्त, ये देखें, सिर्फ एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट बात करके इंसान को अगर पॉजिटिव बात की जाए, लॉजिक के साथ बात की जाए, तो सोच बदली जा सकती है। और अगर मैं अकेला ये भाई की या कुछ लोगों की सोच बदल सकता हूँ, यही अगर हमारा मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे, दोनों साइड से पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए। लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।